हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक बयान दिया था, जो गोरक्षक है वही गोतस्कर है। जो ये गोरक्षक है, बजरंग दल इन्होंने एक टीम बना रखी है, ये खुद गोकसीये सप्लाई करते हैं गाय, जो इनको कमीशन नहीं देता उसको तो ये मार देते हैं। मोदी जी पूरा देश को एक मिनट के अंदर बंद कर सकता, तो मोदी जी चाहे तो एक मिनट में सारा काम। नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के घाटमीका गांव में हैं, जहां के दो लड़के नासिर और जुनैद, उनकी हत्या कर दी गई। उनका आरोप है कि गौ रक्षा दल वालों ने उनको पकड़ के पहले किडनैप किया, अगवा किया और फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी। आज हम यहाँ आए हैं उनके परिवार वालों से मिलने और दूसरे लोगों से मिलने, और आसपास के गांव में भी हम जाएंगे और लोगों से पूछेंगे गौ रक्षा दल आखिर क्या है, क्या करते हैं और इनका किस तरह से यहाँ पे आतंक है। जो ये गौ रक्षक एक बजरंग दल, इन्होंने एक टीम बना रखी है। ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी पिकअप वगैरह ले रखी है, ये खुद गोकसीये सप्लाई करते हैं गाय, गौशाला से खुद हैंडल करके उनको बॉर्डर पार कराते हैं। ये लोग जो इनको कमीशन नहीं देता उसको तो ये मार देते हैं। जो इनको कमीशन नहीं देता, इनका फिक्स रहता है हर गाड़ी पर कितना इनको देना है, नहीं देना है, तो इन्होंने गंग बना, इनकी गंग बनी हुई है। इन्होंने गुंडागर्दी करते हैं, सो पैसा इनका बिजनेस है इनका, नहीं देते उनको मार देते हैं। जो इनकी बात नहीं मानता उनको ठोक देते हैं। हम तो इंसाफ इसलिए मांग रहे, इसलिए इस धरने पर बैठे हैं हम। जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाते, जब तक हम ये धरने से उठने वाले नहीं है। मैं इंजीनियर वसीम अकरम मेयो, एक प्राइवेट सेक्टर में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, और ह्यूमन राइट जस्टिस एसोसिएशन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन चल रहा है हमारा 10 से 15 राज्यों में। हम जो मामला है ये बहुत ही दुर्गम, एक तरीके से बहुत ही संजीदगी वाला मामला है। खुलेआम दो लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, उसके बावजूद 5 से 6 दिन इस मामले को हो गया है, अभी तक भी मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। एक तरफ मुख्य आरोपी खुलेआम मीडिया को डिबेट में बैठता है, सॉरी मीडिया के साथ इंटरव्यू देता है, और एक तरफ हमारी दो राज्यों की पुलिस को उस आरोपी को नहीं खोज पाती है। ये अपना आप में बहुत ही एक तरीके से एक अनकम्फर्टेबल बोल सकते हैं, या हमें विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? एक तरफ तो मीडिया में इंटरव्यू दे रहा है, एक तरफ उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई है कहाँ, ऐसा संभव तो नहीं हो सकता। ये कहीं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें लचीलापन है। पुलिस का भी सिर्फ इतना काम है मात्र, बस एक आरोपी को गिरफ्तार करना और कोर्ट में पेश करना, उसके बाद सजा देने का काम कोर्ट का है, ना कि मोनू मानेसर का। एक तरफ आतंकवादी खुलेआम बंदूकों के नोक नोक पर नंगानाज करता है, उसके बाद सिस्टम की मीटिंगों में वो हाजिर होता है, पूरा सिस्टम उसको बचाने के लिए लगा हुआ है। नू एसपी ने खुलेआम उसका बचाव किया था, जब हमारा स्टेटमेंट अमर उजाला में छपा उसके बाद नू एसपी ने एक संज्ञान लिया और बोल रहा है कि मैं निष्पक्ष जांच बैठा रहा हूँ। कैसी निष्पक्ष जांच, कैसी निष्पक्ष कमेटी आपकी, जब सीआईए पुलिस उसमें इन्वॉल्व है। जब ये घटना हुई है पीरूका गाँव में, उस गाँव में उस टाइम में बजरंग दल वालों के साथ में, उन गुंडों के साथ में सीआईए पुलिस शामिल थी। सीआईए पुलिस साथ में लेके गई है, प्रोजपुर का थाने लेके जाया जाता है। जब प्रोजपुर का थाने उनको लेके जाया जाता है, उस टाइम उसको क्या नाम, वो थानेदार उसको लेने से मना करता है। वहाँ पे पुलिस और गौ रक्षा दल एक साथ थे, ये आप कह रहे हैं पीरूका में? बिल्कुल बिल्कुल। ये हम आपको कैसे पता? ये इसलिए पता, जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित परिवार जब उसको खोजबीन में वहाँ प्रोजपुर का थाना गया, तो वहाँ के पुलिस ने उनको बताया कि यहाँ पे हमारे पास उनको देने के लिए आए थे, हमने उनको लिया नहीं, हमने उसको वापस दे दिया। उसके बाद उनको ले जाके भिवानी में जाके जिंदा जला दिया गया। यानी कि पुलिस और गौ रक्षा दल एक साथ आए थे फिर उस पर झिरका के थाने पे? बिल्कुल। ये खुलेआम जो पीड़ित परिवार है जो साथ में गए हैं वो क्लियर है उनका, क्योंकि अब ये बताओ नहीं पीड़ित जो जो ये आरोपी है इनके नाम कहाँ से मिले? झिरका थाने से मिले नाम, क्यों वहाँ पे आए थे उसको देने के लिए, जब उन्होंने लेने से मना कर दिया, मरना अस्त हम इसको लेके क्या करेंगे, उसके बाद उन्होंने उसको जिंदा जलाया है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है, और पूरे मीडिया इस चीज़ को छुपा रहा है, क्यों भाई, किस चीज़ की, किस चीज़ की शर्मिंदगी? तो जिस थाने ने लड़कों को नहीं लिया, उनको अस्पताल नहीं ले गए, उसी थाने ने बाद में उन्हीं लड़कों को जो उसे लाए, उन्हें लाए थे, उनके नाम से FIR दर्ज कर दी? नहीं नहीं, उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की, और ना उन्होंने कोई और रिकॉर्ड दिखाया है। उन्हें तो अगर अब आप आज मीडिया लेके जाओगे ये और बोलेंगे हमारे पास तो आए नहीं है, खुला हम बयान बदल रहे हैं, पूरा सिस्टम एक तरह से हैंग हो रखा है। और एक तरफ हमारे यहाँ के लोकल जो सांसद हैं रंजीता कोहली हैं, वो बीजेपी से बिलोंग करती हैं, यहाँ अभी तक पीड़ित परिवार के पास नहीं आई।
जबकि हमारे जिले की सांसद उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित परिवार से मिले, उनको सांत्वना दें और मुलजिमों की गिरफ्तारी की मांग करें। और वही हमारी जो सांसद है खुलेआम जो आतंकी उसके बचाव कर रही है, उसके बचाव में लेटर लिख रही है। जब यहाँ की पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने जाती है वहाँ पर एक तरह का ढोंग रचा जाता है, पुलिस के खिलाफ अगेंस्ट FIR दर्ज की जाती है कि इनके गिरफ्तारी करने के लिए आए थे उस टाइम बच्चा मर गया, उसमें खुलेआम लेटर लिख रही है। क्या उसका लेटर उस टाइम का उसकी कलम कहाँ गई जिस टाइम के नाम जो मुलजिम के नाम जो पीड़ित हैं उनके घर पर नहीं आ सकी, भैया पीड़ित परिवार के इंसाफ के लिए उसकी कलम नहीं चली? कैसे कैसे सांसद हमने बिठा के दे दी, एक तरफ वो दलित है, जो सांसद है दलित है, कौन सा दलित है भाई, आप किस तरह के दलितों का आवाज़ उठाओगे? ये एक सिस्टम पूरा हैंग है। और मैं मुख्य एक नाम में गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ आप इस सिस्टम जो हैंग है इस सिस्टम को थोड़ा सा ओपन करिए। आपने एक मुख्य हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक बयान दिया था जो गोरक्षक हैं वही गोतस्कर हैं, आप लोगों ने मीडिया में वो देखा भी होगा, वो बहुत ज़्यादा चला कई साल पहले उसमें भी यही है जो गोरक्षक हैं वही गोतस्कर, इसकी बहुत सारी कटिंग आपको न्यूज़ की मिल जाएंगी, बहुत सारे मामलों में पकड़ गए। तो मैं मुख्य प्रधानमंत्री से भी मांग करता हूँ आप इस सिस्टम को बैन करें पूर्ण रूप से जो सिस्टम चला रखा है इन्होंने, और अगर गौ रक्षा करनी है तो जो गौशाला उनमें जाके करें, गायें भूखी मर रही हैं उनको खाना खिलाएं, सड़कों पे गायें हैं उनको लेके जाएं, उनको गौशाला में बांधें, आवारा गाय डोल उनको लेके जाएं, उनकी सेवा करें ना। ये तुम उठा के अपहरण करके मर्डर कर रहे हो, ये कैसी गौ रक्षा? लेकिन यहाँ पे कोई गाय या भैंस या कोई और मवेशी मिला नहीं है इस मामले में? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल जीरो नथिंग। ये सिर्फ एक हवा बना रखा है कि जो भी किसी को भी मर्डर करते हैं, आप देखो पहलू को बिल्कुल भैरड़ में मारा था, पूरी वीडियो वायरल है, सारा कुछ है, उसको इंसाफ मिला, कोर्ट ने उसको आरोपी सारे बरी कर दिए। आप अपना परिचय दीजिए और ये धरना किस लिए है ये भी बताइए। मैडम मेरा नाम मुख्तार अहमद है और मैं पेशे से CA हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं हरियाणा में इससे लगता हुआ एक जगह है वहाँ गुड़गावा में प्रैक्टिस करता हूँ, अपना जॉब करता हूँ। तो हम भी इस परिवार से मिलने ही आए थे इस दुख की घड़ी में, तो इस परिवार के लोगों को इनके बच्चों को देखकर इतनी तकलीफ़ हुई कि मैंने फिर साथियों को ये बोला कि भाई मैं अभी नहीं आ पाऊँगा, मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिन की। तो ये भाई संघर्ष कर रहे हैं, उनके साथ धरने पे बैठ गए। इतनी पीड़ा है परिवार के लोगों को, इलाके के लोगों को, इंसानियत को इससे चरम चूर चूर किया गया है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। दो लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और पुलिस के सामने मारा जाता है, यहाँ से फिरोजपुर झिरका लेके गए उनको, ऐसे मुल्क के लिए तो नहीं जीता था मुख्तार। मैंने दिल्ली में रह कर पढ़ाई की है लेकिन ऐसे मुल्क के लिए तो नहीं की थी। मेरे साथ एक साथी रहता था 8 साल तक हम साथ रहे, अनिल नाम है उसका, हमने दोनों ने बहुत मोहब्बतों से साथ में खाना बना के साथ खाना खाया है। तो मैं तो ऐसे मुल्क के लिए तो नहीं जीता था, ऐसे मुल्क का सपना मेरे बाप दादा उन्हें नहीं देखा था जब हम यहाँ रुके थे। इस स्थिति में मैं पूरी दुनिया के इंसानियत के पैरोकार लोगों से अपील करता हूँ कि आप सब इस देश की जो खूबसूरती है उसको बचाने का काम करें और इस मुल्क की जो ताकत है, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। यहीं पे जब मैं आया तो मुझे पता चला इस इलाके में मैम चार ढाणियाँ लगती हैं इसकी पंचायत में, और चार ढाणियों में सिर्फ कुछ 4-5 घर हैं नॉन मुस्लिमों के, और पूरी चार की चार ढाणियों में सारी आबादी मुस्लिमों की है। लेकिन यहाँ से लगातार 4 बार से जो सरपंच बन रहे हैं राममोहन, क्या नाम है उनका, राम अवतार जी, इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है भाईचारे की और मोहब्बतों की? राजनीति और ये सब हमारे यहाँ नहीं है, ना हम ये करते हैं, और ना मेरे जैसा आदमी जो इस मुल्क से मोहब्बत करता है ना वो कभी सोचता है इसके बारे में। आज जो आरोपी हैं, जो नाम दर्ज आरोपी हैं, वो चैनलों को तो इंटरव्यू देते हैं, चैनलों को तो पता चल जाता है कि वो कहाँ हैं। इस देश के, इस मुल्क के 2 स्टेटों की पुलिस को नहीं पता चलता वो कहाँ हैं। हमारा जो ट्रेसिंग सिस्टम है, हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है, वो इतना कमज़ोर है? हमारी पुलिस इतनी कमज़ोर तो नहीं है? हमारी पुलिस इतनी लाचार और बेबस तो नहीं है कि न्यूज़ वालों को पता चल जाता है, आप जैसे लोगों को, ईमानदार लोगों को पता चल जाता है और उनको नहीं पता चलता कि वो लोग कहाँ हैं? तो ये जो भरोसा है सिस्टम पर से, वो मेरे जैसे लोगों का उठता है। मैं सरकारों से भी अपील करता हूँ कि आप इसको गंभीरता से लें। पहले भी कई मसले हुए, उसमें इंसाफ की उम्मीद कर रहे थे हम, नहीं हुआ। पहलू खान को बीच रोड पर मारा गया, वीडियोज़ उसके वायरल हुए,
उसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि उसका जब इंसाफ आएगा कोर्ट से तो उनको सजा होगी, हम जैसे लोगों को उम्मीद जगेगी सिस्टम में। उसका जब फैसला आता है तो सारे लोग बरी हो जाते हैं, फिर उसको किसने मारा? मैं पूछता हूँ पूरे देश से, किसने मारा उसको? तो ये अगर भरोसा मेरे जैसे लोगों का, इन तमाम नौजवानों का जो इस देश का भविष्य है, जो इस मुल्क की आने वाला कल है, इनका इस सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा तो कैसे कैसे मुल्क चलेगा? तो मैं सरकार से और सरकार के साथ साथ पूरे मुल्क के लोगों से ही पूछता हूँ कि आपकी कलम, आपकी जबान क्यों खामोश है? आज इतना बड़ा मसला हुआ, इतनी बड़ी बात हुई और कोई नेता यहाँ, वहाँ जरा बात होती है उदयपुर में, मुख्यमंत्री खुद उनके घर चल के जाते, कलेक्टर तक नहीं आया। मैडम कलेक्टर तक को जरूरी, कलेक्टर यहाँ पे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ पर, कलेक्टर तक ने जरूरी नहीं समझा कि मैं पीड़ित परिवार से जाकर बात करूँ। शुक्रिया। इस परिवार के बच्चों के साथ, इन लोगों के साथ जब तक बैठा रहूँगा, जब तक मैं इंसाफ की उम्मीद करता रहूँगा, जब तक न्याय नहीं मिल जाए, जब तक जाबिर भाई यहाँ बैठे हैं, हम इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर बैठे रहे। मेरा नाम अलीजान है, मैं पड़ोस में रहता हूँ, टेलर मास्टर हूँ। पड़ोस में मेरे जुनैद की दुकान है, सामने बोर्ड लग रहा है जुनैद का, 2021। आप जानते थे उसको? हाँ जानते हैं, गांव के ही हैं हम, यहीं के रहने वाले पड़ोसी हैं। आमने सामने 10 साल से 20 साल से दुकान कर रखी है यहाँ पर हमने। वे 4 साल से दुकान क्यों बैठता, 4 साल से जगह पुलिस यहाँ की राजस्थान की फरार बता रही है, इनाम बता रही है उस पर, ये नाजायज कर रही है, लगाई गई है। तो हमारे पास घाटा का एक सरपंच है मिलने वाला, उसने बताया यार ऐसे ऐसे तुम्हारे साइड के हैं, कहाँ के हैं, 2 बाड़क हैं। तो हमने पता चला ही ना, उनको फ़ोन स्विच ऑफ पा रहा है, वही हो सके हैं, विरात में किडनेप कर लिए। वे पीरू की जोतरी पड़ती है, गोपालगढ़ एरिया लगता है, वे वहाँ से किडनेप करें, वहाँ शीशा फूटे मिले हैं, हम हूँ भी गए हैं। फिर हमने एक अपहरण की दर्ज रिपोर्ट कराई है पुलिस के आगे, उसने थानेदार ने बयान दिया है हमारे एडनल SB सामी, अगर ये आदमी और ये नाम है हमारे पास, ये लेके आए हैं। अगर पुलिस चाहती हरियाणा की, उन्हें बचा सके ही जिंदान ने और अस्पताल में दाखिल कर सकती। पुलिस मिलके ही नहीं काम होता है सारा, ये बजरंग दल का जो काम है पुलिस मिलके ही होता है। और जो मोनू मानसर है, ये बड़ा गैंगस्टर है, इसका गांव जिस जगह पे जड़ाया है। यहाँ पे पहले गौरक्षा दल ने इस तरह की कोई हरकत पहले करी है? पहले एक लड़का उमर नाम का भी ऐसे ही कांड हुआ था, वो उमर नाम के जो है मार दिया गया था आज से 5 साल पहले, ये इसी गांव के थे उमर, उस पर भी यही केस लगा कर, मतलब ये गौ के काम करते हैं फला है, हालांकि वो बच्चा अपने काम से गए थे, उसको भी मतलब मार दिया। यहाँ पे धरना भी चल रहा है? हाँ धरना भी चल रहा है, वो भी यही एक मांग है मुस्तकिल हो, भाई जो हथियारों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा अब तक? अरे जिन्होंने उसको मारा है, जिन्होंने उसका 5 या 6 आदमियों को जो नाम है लिस्ट में, उनमें से मतलब जो है मोनू मानेसर भी है और जो है और हाँ ये जो नामे हैं उसमें पकड़ना चाहिए ना उसको। मोदी जी पूरा देश को एक मिनट के अंदर बंद कर सकता है, एक बार बोलता है आज देश बंद है, हमने वो झटके भी देखे हैं, कभी नोटबंदी का बोलता है ये बंद है, तो मोदी जी चाहे तो एक मिनट में सारा काम हो जाए। क्या कहा थाने में लोग आपसे, क्या कहा? हमको वहाँ रुकने ही नहीं दिया, हमको तो ऐसे डर लग रहा है जैसे फांसी कर थाना में। आपने कहा था उनसे आप किस सिलसिले में आए? हमको तो हमने कहा था बात मत करो भागो इधर से, क्या धूमस मचा रखा है, भगा दिया हमको, तो वहाँ टिकने ही नहीं दिया। बात ऐसे हिसाब से करी, आम आदमी क्या कर सकता, 4 लट्ठे मारेंगे तो हम दूर भागेंगे। हम तो भाई अपनी बहन बेटी समझ के सब चलेंगा, और जो बस वो ये भाई जो हाँ हिंदू हाँ, हम अब भी भाई को भाई समझा, उन्हें हम बुरा नहीं समझेंगे, उन्हें हमारा भाई है, हम भी भाई समझेंगे, वो भी हिंदुस्तान में रह रहा, हमें भी हिंदुस्तान में रहा, हमारा भाई है, हमारे घर भाई बहन बेटी सब बरोबर हाँ, हमारे 21 है उनकी बहन बेटी, काई भी कौम की हुए छो, हम यह चाह सबको भलो हुए, साठो कौम में काई को बहन बेटी सब अमन चैन में रहा, हम झगड़ो फिसार कोई ना हुए, हम तो यह चाह भाई मिलजुल के हम साथ कौम अपनी जिंदगी गुजर बसर कर, ये बात है हमारी। तो बहुत चंद लोग हैं जो इस देश को, इसकी जो असल स्पिरिट है उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, बहुत चंद लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये लोग। तो मैं पूरी दुनिया के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो साथी लिख सकते हैं वो लिखें, और मेरे जैसा आदमी यहाँ बैठ कर उनसे उम्मीद कर रहा है आज कि उनकी कलम खामोश ना रहे।